नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एगोन गेमिंग में। तो आरडीआर 2 के लास्ट वाले एपिसोड पे जैसा कि आपने देखा ही था कि हम जो है एक आइलैंड में फंस गए हुए थे जिसका नाम था ग्वाटमा, और उस आइलैंड पे जाने के बाद हमें जो है लाइक कुछ बंदों की हेल्प करनी थी जिसका नाम था हरक्यूलेस। उसके गैंग को जो है सबसे पहले तो हमें छुड़ाना था, और उसके बाद जो है यहाँ पर हमें कैप्टन को भी ढूंढना था जिसकी हेल्प से हम शिप के थ्रू सेंट डिनाइस में जा सकते थे। तो सबसे पहले तो जो है हमने यहाँ पे उसके सारे के सारे जो वर्कर्स थे यानी कि उसके जो फ्रेंड थे उनको जो है हमने यहाँ पे फंस के चंगुल से हटा लिया था यानी कि छुड़वा लिया था। उसके बाद जो है यहाँ पर उनको छुड़वाने के बाद जो है हम कैप्टन से मिलने के लिए गए हुए थे कैप्टन को छुड़ाने के लिए, तो हमने कैप्टन को भी छुड़ा लिया था। और कैप्टन को छुड़ाने के बाद यहाँ पे हमने जो फंस है उस ग्वारमा आइलैंड का जो मालिक है उसको जो है हमने शॉटगन से उड़ा दिया था, मतलब एक टाइप की एक कैनन थी एक टाइप की तोप, उससे जो है उस बिल्डिंग को उड़ा दिया था जिससे कि वो जो है मर गया था। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर वापस आ गए थे सेंट डिनाइस में, सेंट डिनाइस की मतलब अंदर नहीं आए थे सेंट डिनाइस की, सेंट डिनाइस के आसपास ही थे। और उसके बाद जो है हम घोड़े से हमें जाना था अपने वाले कैंप में, तो आज से जो है हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि अभी आप यहां पर देख सकते हैं अभी जो है मैं यहीं पर खड़ा हुआ हूं सेंट डिनाइस में, और यहां से जो है मुझे इसी वाले रास्ते से होते हुए जाना पड़ेगा अपने वाले कैंप में, क्योंकि अभी मेरा जो कैंप है वो सेंट डिनाइस के रास्ते में पड़ता है। और आप सभी को तो पता ही है अगर मैं सेंट डिनाइस में जाता हूं तो यहां पर मैं पकड़ा जाऊंगा, इसी वजह से यहां पर मुझे एकदम सावधानी से जाना पड़ेगा। और हो सके तो मैं अपना जो मास्क है वो यहां पर लगा लेता हूं जिससे कि मुझे यहां पर पहचान ना पाए, बट यहाँ पे मेरा जो मास्क है वो भी मेरे पास नहीं है। ऑल राइट, यहाँ पे मेरे पास कुछ भी सामान वगैरह नहीं है, इस चक्कर में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ फिलहाल के लिए, तो मुझे जो है बस इसी टाइप से जाना होगा। ऑल राइट, फालतू में अपने घोड़े से उतर गया, यहाँ पे दो बंदे ऑलरेडी थे, ठीक है। तो यहाँ से जो है मुझे ले लेना है एक टर्न और फटाफट से जो है मैं अपने वाले कैंप में पहुँच जाता हूँ। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है घोड़े को चलाते चलाते मुझे जो है रात से हो चुकी है सुबह, और यहाँ पर जो है मैं अपने कैंप में पहुँचने वाला हूँ। और मेरे जो बाकी के बंदे हैं यानी कि जो डच है, जेवियर है और जो विलियमसन है, वो शायद से वहाँ पर पहुँच चुके होंगे मेरे वाले कैंप में। सब लोग जो है मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे पक्का तो नहीं पता कि वो सबके सब वहाँ पर मुझे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पर जो फाइनली मैं अपने कैंप में आ चुका हूँ, बट मैं आशा ज़रूर करता हूँ कि सबके सब यहाँ पे मुझे मिल जाएं, लाइक डच वगैरह और जो बाकी की वुमेंस वगैरह हैं वो तो यहाँ पे मुझे मिल ही जाएंगे, इतना तो मुझे भी पता है। ऑल राइट, ये क्या मजा आ गया, सामान क्यों फेंका हुआ है, और कैंप की हालत तो बहुत ज़्यादा बेकार है मेरे हिसाब से। जो है हम सब लोगों के जाने के बाद यहाँ पर लोग वगैरह आए होंगे पुलिस वाले, और उन्होंने यहाँ पे तबाही मचा दी होगी इस टाइप से। यहाँ पे लोग तो होने चाहिए बट मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ज़रा मुझे सारे के सारे जो फ्लोर्स हैं वो यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए। पियर्सन भी होना चाहिए यहाँ पे बट वो भी दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकेंड। ऑल राइट, तो यहाँ पे मिल्टन पिंकर्स्टन क्या कर रहे इधर यार। Look, those are fresh footprints. All right. Looks like someone might be here right now. Sure, someone is here. There's always someone everywhere. Well, let's look around then. See if we can find something for Mr. Milton. Mr. Milton? I'd like to find a poison snake for him. That's enough, Mr. Johns. You take Mr. Bunter and search around back. तो ये जो है फिर से वही पुलिस वाले हैं, इनको जरा मुझे ठिकाने लगाना पड़ेगा। पिंकस्टन से यहाँ पे मुझे जो है बातचीत करनी पड़ेगी, तो मेरे हिसाब से पिस्टल निकाल लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर ये क्या निकालूं, बोल्ट एक्शन राइफल ज़्यादा बेटर रहेगी या फिर ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगी। ऑल राइट, जैसे कोई आएगा ना वैसे बताता हूँ मैं इन सबको। ऑल राइट, आओ ज़रा ऊपर, एक एक को मैं देख लूँगा, ठीक है। इसको मैं पास में जाके मारूं या दूर से मार दूं? ऑल राइट, मुझे क्या करना चाहिए मुझे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इन लोगों को मारना चाहिए तो फिर कैसे मारना चाहिए, एक सेकंड, इसके अंदर कोई है क्या? ऑल राइट, right.
यहाँ पर कोई गेट वगैरह होता ना बाहर जाने का तो ज़्यादा बेटर रहता। ये खुलता है क्या? ये खुलता भी नहीं होगा। वैसे मुझे डरने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता सकता हूँ, इनको अच्छे से मार सकता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, अपने वाले कमरे में चलता हूँ या फिर बाहर की तरफ चलता हूँ। एक सेकेंड। नहीं, इसको तो ज़रा जो है पीछे से ही मारने वाला हूँ, इतना तो पक्का पता है मुझे। ऑल राइट, ये गया फाइनली। अब इसी तरीके से जो है मुझे बाकी के लोगों को भी मार देना होगा आराम आराम से, जिससे कि इनको पता ना चल पाए और मैं एक एक करके जो है सबको ख़त्म कर दूँ। यहाँ पर भी एक बंदा खड़ा हुआ है बाहर की तरफ। ऑल राइट, मेरे कमरे में भी मेरा सारा का सारा जो काम सामान वगैरह है वो यहाँ पे उठा के ले गए ये लोग। एक सेकेंड, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बस नीचे की तरफ वही अकेला खड़ा हुआ है। मतलब चार लोग हैं, मैं क्या डर रहा हूँ इनसे यार, मैं चार लोगों को तो ऐसे ही धूल चटा सकता हूँ। ये रहा एक बंदा, इसको ऊपर से मारना ठीक रहेगा या फिर नहीं रहेगा? एकदम क्लियर शॉट लेता हूँ इसको तो मैं। ऑल राइट, ये गया, ये भी गया। ऑल राइट, किधर से आओगे? आ जाओ। ये पकड़, निकल इधर से, निकल बाहर, आ जा। अब नहीं आएगा ये। ऑल राइट, तेरी ऐसे कम तैसे, निकल। अभी एक और बच्चा हुआ है, इसको तो मैं खिड़की से मारूंगा। अभी आएगा, आ जा। इसकी तो निकल। फाइनली मैंने सबको मार दिया, एक बंदा और बचा है क्या? इसकी तो ये भी गया। ऑल राइट, अभी सबके साथ मर चुके हैं, इनका लूट लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी सामान वगैरह नहीं है, तो फटाफट से इनको लूट लेता हूँ। ये चार ही बंदे तो आए हुए थे यहाँ पे, कुछ पैसे वगैरह ही मिल जाएंगे, वैसे ही मेरे पास बिल्कुल भी पैसे वगैरह नहीं है, कुछ सामान वगैरह भी खरीद लूँगा मैं। ऑल राइट, अभी सही है, अभी यहाँ से निकल लेता हूँ। मेरा जो घोड़ा है वो बाहर की तरफ खड़ा होगा मेरे हिसाब से तो। ऑल राइट, किधर है, जल्दी आ। बढ़िया, फिलहाल के लिए तो यही जो है मेरा घोड़ा है, और अभी जो है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए या फिर अंदर की तरफ रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बाहर की तरफ जाऊँगा तो इतना तो पक्का है कि सेंटिनेस के आसपास भटका मैं तो वहाँ पे मारा जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अभी बारिश भी हो रही है तो मुझे जो है अंदर की तरफ थोड़ी देर के लिए जो है इंतज़ार कर लेना चाहिए। ऑल राइट, और तो कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं है इंतज़ार किए बगैर। इसका घोड़ा भी बहुत बोल रहा है। अभी जो है मुझे यहाँ पे क्लूज़ वगैरह ढूंढने पड़ेंगे, आखिर में वो जो बंदे हैं वो आखिर में किधर चले गए। ऑल राइट, और ये क्या रखा हुआ है यहाँ पे? एक सेकेंड, गन ऑयल है। यहाँ पर एक लेटर भी रखा हुआ है। एक सेकेंड, लेटर है क्या ये? ऑल राइट, पढ़ लेता हूँ किसका लेटर है, शायद से कोई छोड़ गया हो। डियर अंकल टैसिडस, I do so hope you enjoyed your vacation. Lucky you, leaving like that.
and you always suggested you were too old for travel. I hope you and your cousins enjoyed yourselves. Me and your grandnieces have decided to take a trip of our own, as the place has become so dreary and godforsaken in your absence. We've gone to visit relatives. From my daddy's side, you are not yet acquainted with them. In Lacay, a small village just north of Saint-Denis. It's buggy and muggy, but apparently neither is too bad at this time of year. Please come see us when you can. Yours sincerely, Caroline. All right, so yahan pe jo letter hai wo Sadie ne likha hua hai. Darling niece Caroline, I guess I'm coming to see you in Lacay. Aur abhi jo hai hame yahan pe Lacay mein jana padega, uske paas jahan par bhi wo hai. तो फटाफट से अपने घोड़े पे बैठ कर चल लेता हूँ यहाँ पे लिखे मैं जो लिखे है वो ज़्यादा दूर तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लेता हूँ. और राइट, तो लिखे जो है वो सेंट डेनिस के आसपास ही एक जगह है, ये रही, और वो यहाँ पर है. और मैं अभी जो आया था वो मैं आया था यहाँ से आया हुआ था. और राइट, तो पहले पता होता तो मैं यहीं पर नहीं रुक जाता. चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वापस से जो है यहाँ पर मैं चल लेता हूँ लिखे वाली जगह पर, क्योंकि यहाँ पर तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबके सब जो है जा चुके हैं. ऑल राइट, और जो मौसम वगैरह है ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है. मेरे हिसाब से जो बर्फ़ है ना जो स्टार्टिंग में पड़ी हुई थी, उसका जो तूफान है वो बस आने वाला होगा. बस यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं ये मुझे ना देख लें, क्योंकि पिंकस्टर्स को तो मैंने मार दिया है फिलहाल के लिए. चार पिंकस्टर्स आए थे मुझे मारने के लिए, तीनों को चारों को जो है मैंने यहाँ पर ठिकाने लगा दिया है. मतलब कोई किसी को बता भी नहीं पाएगा कि मैं जो है यहाँ पर वापस से आ चुका हूँ सेंट डेनिस में. और जो बाकी के हमारे गैंग के बंदे हैं वो भी शायद वहीं आसपास ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो है नहीं है. ऑल राइट, तो मैं शायद आ चुका हूँ वहीं पर, उसी वाली जगह पर. थोड़ा सा आगे की तरफ और चलकर देख लेता हूँ, आसपास ही होनी चाहिए वो वाली जगह. सामने की तरफ मुझे लग तो रही है, क्योंकि यहाँ पर कैंप वगैरह तो हैं. ऑल राइट, कोई है क्या इधर? हेलो, एक सेकंड, सामने की तरफ कोई है, ये शायद सैडी. ऑल राइट, तो पियर्सन है ये, बढ़िया. तो सबके सब जो है मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं, स्टेटस भी यहाँ पे बैठा हुआ है. Just about. Come inside. Come on, it's raining. बढ़िया. Hey everybody, look who's here. Hey, y'all doing? Hey old man, wake up. Hey Arthur, they got John. Good to see you. Yeah, he got arrested. He ain't hung yet? Not yet. They moved him to Sisica. He's been working on a chain gang. Howdy. ऑल राइट, तो सारे के सारे हम गैंग के बंदों से तो वापस से जो है मिल चुके हैं, और अभी जो है हमें यहाँ पे पैसे वगैरह इकट्ठे करने होंगे. ऑल राइट, तो माइका भी यहीं पर है, माइका जो बेल है वो सबके सब यहाँ पर आ चुके हैं, और डच जो है फाइनली ये भी यहाँ पर आ चुके हैं. फाइनली हमारा लीडर गैंग का. Give me a cup of coffee or something. It was Mrs. Adler who saved us, Dutch. After the robbery in Saint-Denis, she got us away from the camp before the Pinkertons turned up. Then Mrs. Adler and Mr. Smith drove away the degenerates of her living here. Mrs. Adler? ठीक है, तो यहाँ पे जो मिसेस एडलर है उसने, उन्होंने यहाँ पे हमारे सारे के सारे जो गैंग के बनते हैं उनको यहाँ पर लाकर सेव कर दिया. We've been surviving, but only just. और जो चार्ल्स है वो भी यहाँ पे जिंदा है. What are we gonna do? Things have been tough. हमारे यहाँ से भागने में हेल्प की थी सेंट डेनिस से. There ain't no doubt about that. Trust me. I am gonna get us out of here. This ain't over. Ain't none of you folks interested in our adventures? Guess we're more interested in escaping the hangman on our tail? Cheerful nymph of the prairie, wasn't you, Abigail? Oh, sure. My fair heart jumps for joy when I set eyes on you, Micah. But यहाँ पे तो जॉन है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा. We buried Hosea, Dutch. Charles and I stole his body from the law one night and gave him a proper burial. It was real nice. Mm-hmm. Yeah. Well, here you is. Well, I asked everyone I could find, and eventually someone knew, said you fools were out here. Shit. Give me a drink or something. Get your own damn drink. All right. In our absence, Mrs. Adler here has been looking after things. Now sit down. फालतू में चिल्लाने में लगा हुआ था. एक सेकेंड, ये लोग यहाँ पर भी आ चुके हैं पिंकस्टर्स, और ये जो है हमें अरेस्ट करने के लिए आया. मतलब यहाँ पे गोलियों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता, और यहाँ पे कैनल लेकर आए हैं इनकी ऐसे कम तैसी. ये मिल्टन है वही वाला. ऑल राइट,
इस टाइप से तो ये जो है पूरे के पूरे बिल्डिंग को तबाह कर देंगे। अभी मुझे जो है सैडी को फॉलो करना है। ऑल राइट, सैडी को यहाँ का जो रास्ते वगैरह है वो पता है, क्योंकि ये जो जगह है वो अच्छे से जानती है। मुझे इसी टाइप से जाना होगा रेंगते रेंगते, उसके बाद ही जो है मैं सबको बचा पाऊँगा। और यहाँ पे पूरे घर में जो है आग लगना चालू हो चुकी है। ऑल राइट, किधर है सैडी? ये रही। बाकी के सारे बंदे भी यहाँ पर आ रहे हैं पीछे पीछे। अपनी जो गन है ये निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे हम फ्लैंक कर रहे हैं, मतलब जैसा कि हम BGMI में फ्लैंक करके मारते हैं ना बंदों को, ये उसी टाइप का फ्लैंक है। फ्लैंक करके मार दो बंदों को, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ऑल राइट, अभी यहाँ से हम जो है उनको मार सकते हैं। ऑल राइट, अभी मज़ा आने वाला है। एक सेकेंड, इसकी तो मैं खोपड़ी बजाने वाला हूँ। ऑल राइट, इसकी तो निकल इधर से, तेरी ऐसे कम तैसे निकल, तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी, तू भी। और कोई है क्या? वो किधर गया? वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ऑल राइट, है किधर? कहाँ गायब हो गया? ठीक है, अभी मुझे जो है सबको इसी टाइप से मार देना होगा। ये गया, ये मिल्टन होगा तो मज़ा आ जाएगा। मिल्टन नहीं हो सकता, लेकिन वो तो ये गया। एक सेकेंड, आ जाए तुम्हारी ऐसे कम तैसी। ऑल राइट, ये भाग गए क्या? लगता तो कुछ ऐसा ही है। गया फाइनली, वहाँ पे भी एक है, ये भी गया। ये भी गया। ये भी गया। यहाँ पे तूफान जो है बहुत ज़्यादा तेज आने में लगा हुआ है। ये गया, ये ट्री के चक्कर में दिखाई भी नहीं दे रहे। ये भी गया, ये भी गया। ऑल राइट, अभी जो है हमें उस मैक्सिमम उनकी जो गन है उनको यहाँ पे यूज़ करके सबको बता देना होगा। ऑल राइट, ये रही उनकी गन, अभी बताता हूँ मैं एक को। आ जाओ, इनके ऐसे कम तैसी, निकलो इधर से सबके सब। ऑल राइट, अभी मज़ा आएगा सबको मारने में, क्योंकि यहाँ पे सब लोग यहाँ पे खुले में हैं। ऑल राइट, ये भी गया। ऑल राइट, ये भी गया, सबको छेद कर दूंगा मैं सबकी बॉडी में आज। ये भी गया, अभी मज़ा आ रहा है सबको मारने में। ऑल राइट, मिल्टन मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मिल्टन किधर है आखिर में? Arthur. Oh, me and Bill and Sadie. You okay, son? Sure. Well, we ain't been back for more than a few days. What do we do, Dutch? Clearly, we need to leave. It'll take them some time to regroup. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, start packing up. Javier,
You and Bill, get out of here. Go scare off any scum still loitering about. We need a couple of days. Now! All right, तो यहाँ पे जो है पैकिंग वगैरह तो जो स्टार्ट हो गई है और हमें तो यहाँ से निकलना ही होगा, इतना तो पक्का है क्योंकि अभी इतने से आए हैं, बाद में और आएंगे, और अभी तो कैनन लेके आए हैं, बाद में और बड़ी गन लेके आएंगे, इसी वजह से यहाँ से निकलना तो है ही। यहाँ पर जो जॉन है उसको यहाँ पे जेल में बंद करके रखा हुआ है, और जब इनके लिए चाहती है कि हम जो उसको बचा लें, they're gonna hang me, break my, the boy's heart, please do something. We will. तो अभी हमें आर्थर को और यहाँ पे सैडी को, हमें और सैडी को यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे जॉन को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको बचाएंगे नहीं तो वो जो है उसे टांग देंगे, मतलब हैंग कर देंगे, और हैंग करके मार देंगे उसको, इसी वजह से हमें जो है उसको भी यहाँ पे बचाना होगा। My Lord, what a goddamn mess. तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, मतलब पहले तो वहाँ पे हमारे वाले बड़े वाले घर में सब लोग आ गए, फिर यहाँ पे आके ये जो पिंकस्टर्स है, मिल्टन जो है यहाँ पे हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, ऊपर से ऑर्डर स्कूल वाले भी हमें परेशान करके रखे हैं, और सेंट इनाइस में हम जो है वांटेड मैन बन चुके हैं। ऑल राइट, ये मेरा घोड़ा है क्या? ठीक है चलो, एक सेकेंड, ये मेरा घोड़ा है क्या? हाँ मेरा ही है, मैंने इसको दूसरा परचेस कर लिया था। ऑल राइट, तो फिलहाल के लिए जो है मुझे यहाँ पर ये हमारा कैंप बन चुका है थोड़े दिनों के लिए, और जो बिल वगैरह यहाँ पे अभी प्रोटेक्ट वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पे बिल है, वहाँ पे जेवियर खड़ा होगा। ऑल राइट, तो जो डच है वो यहाँ पे अंदर की तरफ है, बट मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जो है यहाँ पे जॉन को बचा लेना चाहिए, बट जो अभी जो सैडी है वो यहाँ पर तो नहीं होगी, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि वो जो है अभी सेंट इनेस में चली जा चुकी होगी, क्योंकि जो सैडी है ना वो अभी वांटेड नहीं है, और ना ही वो हमारे साथ रॉबरी करने के लिए गई हुई थी, इस वजह से वहाँ पे उसको तो कोई पहचानता नहीं है। और मेरे हिसाब से मुझे जो है फिलहाल के लिए यहाँ पे डच की हेल्प कर देनी चाहिए यहाँ से निकलने के लिए, और यहाँ से निकलने के लिए यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मनी, और मनी के लिए जो है हमें सबसे पहले तो यहाँ पे डच से जो है बात कर लेनी होगी, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। ऑल राइट, तो रेड जो है मेरे हिसाब से अंदर ही की तरफ होना चाहिए, दिखाई तो दे नहीं रहा है, इस कमरे में तो नहीं है कहीं। ऑल राइट, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, एक सेकेंड गिरा। You okay there? Working it all out. Once and for all, Arthur. What now? We're back, and I'm sitting here. And I am contemplating the great journey of the sun and considering a famous chess move. Those Oilean actors of a mediocre justice, the Pinkertons, and their benefactor, the depressing millionaire Leviticus Cornwall, they want us, Arthur. They want us. And they are going to have us. Maybe they ain't the problem. Meaning? I don't know, it's just... I can't help but feel we would have been better running off someplace else. But the game ain't over, Arthur. I mean, I ain't played my final move, but... Guess I'm more interested in surviving than winning a chess. And maybe life ain't such a thing to cling on to so tightly. No doubt. What's our move here? All right, toh iske paas koi tarika hai, koi plan hai? I miss. Aur filhal ke liye jo hai, yahan pe ye Halsey ko miss karne mein laga hua hai. I asked you a question. What do you think? We can't stay here. That much is obvious. Where are we gonna run to? I mean, they chased us from the west. They chased us over the mountains. They ran us into the sea. Arthur, do you have my bag? Always, Dutch. एक सेकंड, ये ऐसा तो नहीं करना चाहता कि ये जो है अपने आप को लेविक्टस कॉनवेल के हवाले कर दे। We've been on the run for months. अगर ऐसा करेगा तो मैं रेडी नहीं हूँ। Killing folk in cold blood, like you always told me not to. And I'm sorry, but I can't help but think that if we there is country in Roanoke Ridge past Butcher Creek, I believe we could hold. Okay. You and Charles, you could take folks up that way. Micah and I need to do some reconnaissance. I ain't got a final plan yet. Arthur, I ain't got it. तो फिलहाल के लिए इसके पास एक फाइनल प्लान नहीं है, और ये सोच बोल रहा है कि ये अभी फाइनल प्लान के ऊपर जो है काम वगैरह कर रहा है। तब तक के लिए हमें जो है एक जगह पर जाना होगा, और वहाँ पे थोड़े दिनों के लिए जो है स्टे करना होगा,
जिसकी हेल्प से हम ना बाकी सब लोगों से जो है बचे रहेंगे, लेविक्टस कॉनवेल के बंदों से, ऑर्डर स्कूल के बंदों से, और यहाँ पे जो पिंकस्टर्स हैं उनसे भी। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये चाहता है कि मैं जो है यहाँ पर जाऊँ। ऑल राइट, तो मैं जो चार्ल्स है उससे मिलने के लिए चल लेता हूँ, क्योंकि जो माइका है वो तो पता नहीं यहाँ पर होगा भी या फिर नहीं होगा। जो चार्ल्स है वो ये रहा यहाँ पर बैठा हुआ है, इससे बातचीत कर लेता हूँ, पता नहीं चलेगा मेरे साथ ये कि नहीं चलेगा। और इसने अपना जो हेयर स्टाइल है ना यहाँ पे चेंज कर लिया, वाइकिंग्स की तरह कर लिया है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या कर रहा है अभी ये? ऑलराइट, गन ले रहा था क्या? ठीक है, व्हाट आर वी डूइंग देयर? वी लुकिंग फॉर अ प्लेस टू होल्ड अप, इवन द लॉ वोंट फॉलो अस अप देयर टू विलिंगली। Yeah, I did some scouting up there while your boys were away. And? You'll see. All right. तो जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं, मतलब जिस जगह के बारे में इसने हमें बताया है, उस जगह पे जो है जो लॉ वगैरह है वो नहीं पहुँच सकता है, पिंकस्टर्स नहीं पहुँच सकते हैं अभी, वो तो वहाँ पे चलकर ही पता चलने वाला है। The Pinkertons will have reinforced in another day or two. Yeah. और जो पिंकस्टर्स है उनको यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, एक या दो दिन में वो जो है यहाँ पे पहुँच जाएंगे। All right. Yeah, a boat's probably a good idea. Okay, good. It's good to see you again, Charles. You too. Thanks for what you did in Saint Denis. Real brave drawing them off us like that. I was worried you and Abigail had both got yourselves killed. I found a spot to lie low for a while, then managed to get a ride with a wagon of workers heading out to the field. All right, तो यहाँ पर ये जो है ना, मतलब जो हम सेंट डेनाइस से भागे थे और इसने हमारी हेल्प की थी, उसके बाद ये और एबिगेल यहाँ से मतलब थोड़े दिनों के लिए दिखाई नहीं दिए थे, मतलब कि लाए लो कर रहे थे वो लोग ये दोनों के दोनों, जिससे कि ये जो है किसी के नजर में ना आए और इनको कोई पकड़ ना ले और पकड़ के मार ना दे। Cuba? Oh, not exactly. An island off of there called Guarma. Landed ourselves in a heap of trouble. Really? A tropical island? Isn't that just what Dutch wanted? I guess it didn't exactly live up to his ideals. Anyway, I ain't always sure Dutch knows what he wants anymore. Perhaps not, but he's always managed to figure things out in the past. I know. Hey, you're right. Just... It's been... Guess I just miss Hosea and his... All right, तो यहाँ पे जो है सभी लोग जो है होसिया को यहाँ पे मिस कर रहे हैं, होसिया को, लैनी को और जॉन को भी। तो जॉन तो अभी वहीं पर है, उसको बचाने के लिए जो है हमें यहाँ पे सेंट डेनाइस में जाना पड़ेगा सैडी के पास। और मेरे हिसाब से ये काम करने के बाद ना, मेरे हिसाब से हमें जो है वहाँ पे जॉन को बचा लेना चाहिए, नहीं तो वो वहाँ पे जेल में बड़ा बड़ा मर भी सकता है। और ऊपर से जो एबिगेल है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान होने में लगी हुई है जॉन के लिए। और काफ़ी दिनों से ना मैंने उसके बेटे को नहीं देखा है, जिसका नाम है यहाँ पे जैक, जिसको कि हम बचा कर लेकर आए हुए थे एंजेलियो ब्रोंटी से। ऑल राइट, तो जो ब्रिज है वो तो यहाँ पे आ चुका है। There should be some canoes down to the right here. ठीक है, तो अभी ब्रिज के ऊपर से तो नहीं जाना है, हमें जो है यहाँ से राइट जाना है। और राइट जो बोट है वो भी यहाँ पे पड़ी हुई है। अभी जो है इस बोट के सहारे हमें जाना होगा। ऑल राइट, छोटी बोट नहीं है वैसे, काफ़ी छोटी लग रही है मुझे, बट जाना किधर है वो अभी ज़रा देखना पड़ेगा। जो बुचर क्रीक है वो यहाँ पे थोड़ी दूरी है। ऑल
और उस वाली सिटी में बुचर क्रीक में ना हम अपने घोड़े से नहीं जा सकते, पानी के सारे जा सकते हैं। और वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। Not a crazy idea. This is a spot nobody comes near, even the law. Just be ready. It won't be pretty. So be it. All right, थोड़ा सा अभी तेज तेज इसको चला लेना होगा क्योंकि जो हवा है वो तो साथ देगी नहीं। तो इसी टाइप से जो है यहाँ पे पानी के सहारे जो है चलते जाना होगा। All right. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हम लोगों को वहाँ पे पहुँचने में। और इस जगह पे हम मेरे हिसाब से ज़्यादा दिनों के लिए जो है हाइड नहीं कर सकते क्योंकि जो पिंकस्टर्स है और जो स्कूल है उनको ना इस जगह के बारे में भी जो है पता चल जाएगा। फाइनली जो है हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उस बोट को जो है हमें संभाल के रखना होगा क्योंकि इसी बोट के सहारे हम उस पार जा सकते हैं वापस से अपने कैंप में। अगर हम माइका को लेके जाते हैं ना तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हम जो है यहाँ तक आ पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बकवास करता है। ऑल राइट, यहाँ पे रात भी हो चुकी है। बस यहाँ पे कोई क्रोकोडाइल वगैरह ना, सामने की तरफ लाइट जल रही है तो सामने की तरफ कोई जा रहा है इतना तो पक्का है। फाइनली जो है हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं तो अपनी बोट जो है वो मैं यहीं पे लगा देता हूँ। ये बातचीत करेगा या नहीं करेगा? Good evening. Can you help us? We're trying to find a spot called Beaver Hollow. We don't take kindly to outsiders around here. Come on, they're not gonna help. All right, तो वो जो है हमें यहाँ पे हेल्प नहीं करने वाला और हम जो है किसी बंदे को यहाँ पे ढूंढने वाले हैं। क्या नाम बताया था? सेकेंड, बीवर हॉलो उस बंदे का नाम है जिसको कि हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं बचर क्रीक में। कुत्ते भी इधर, तो मेरे पास भी गन है। ऑल राइट, ऊपर की तरफ जाना होगा। एक सेकेंड, ये शायद से जानता होगा उसके बारे में लेकिन ये भी मुझे नहीं बताएगा। ऑल राइट, यहाँ पे ये भी है, इससे पूछता हूँ तो बताएगा क्या मुझे। Howdy. You some bitch. फालतू में उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, इससे अच्छा तो निकल जाना चाहिए, तो बेटर है। है किधर? पता नहीं किधर मिलेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है घोड़ों को ले सकते हैं तो ले सकते हैं, तो बढ़िया है, ले लेता हूँ। लेकिन ये उन लोगों के घोड़े हैं, कुछ बोले ना तो ज़्यादा बेटर है। ऑल राइट, वॉच इट। पता नहीं वो जो बंदा है अभी किधर को मिलने वाला है। See why folks don't want to come around here. Ain't exactly a welcoming place. Lots of stories of people going missing around these parts. Just recently, a stagecoach from Annisburg disappeared without a trace coming through here. Guess that's good for us. Assuming these inbred bastards are willing to part with their home, which I'm sure they won't be too pleased about. No, but I believe they hide out all over Roanoke Ridge. These caves are just one of their spots, which is why we should keep it down. They might have lookouts around. Okay. All right. See that up ahead? Slow down, keep it quiet. तो शायद से हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। I say we dismount here and follow them on foot. All right. See where they're going. इसे कुछ दिखाई दे रहा है बट मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। Follow me, stay quiet. एक सेकेंड, यहाँ पर आगे की तरफ खतरा है इतना तो पक्का पता है मुझे। वहाँ पे एक लाइट भी जल रही है। Let's get closer to him.
और राइट, तो हमें जो है इनके पास जाके सुनना चाहिए कि आखिर में बातचीत क्या कर रहे हैं। कम ऑन, अप दिस वे। ऑल राइट, यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, सिर्फ एक या दो ही बंदे हैं। अब इनको पता नहीं क्या हम लोग ऊपर हैं। Definitely Murphy's. I say we deal with them from here. You take one, I'll take the other. ठीक है, तो हमें जो है इनको यहाँ पे मारना है, और इन लोगों ने ना किसी एक को मार दिया है। All right, अभी ये गए। All right, ये गया, ये ले, निकल इधर से। एक सेकंड, इसकी तो बढ़िया, पहले ही मारते तो क्या दिक्कत थी इसको। इनके पास पता नहीं काफी बड़े बड़े जो है हथियार हैं। इसको भी लूट लेता हूँ, आ रहा हूँ, रुक जा, मेरे पास अभी लूट नहीं है, थोड़ी सी लूट निकलने दे। ये मर्फी से कपड़े भी नहीं पहने उन्होंने, किधर है हीरा? और भी हो सकते हैं यहाँ पे, लाइट तो जल रही है आगे की तरह, तो शायद से यहाँ पे और भी जो बंदे हैं मर्फ्रीज वो हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है यहाँ पे जो हमारा बंदा है ना वो यहाँ पे मिल सकता है, बिएवर, जिसको कि हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं बचर क्रीक में। और यहाँ पे ना एक बार एक स्टेज कोच आ रही थी जो कि डिसअपियर हो गई थी, और वो जो स्टेज कोच है वो मेरे हिसाब से इधर ही किधर है। Let's get on with this. और यहाँ पे इन लोगों ने ना किसी को लटकाया हुआ है। मेरे हिसाब से जो है स्नीक करना चाहिए तो ज्यादा बेटर है, डायनामाइट से नहीं उड़ाना चाहिए। ऑल राइट, तो फिलहाल के लिए तो हमें जो है केव के, एक सेकेंड, केव के आसपास जाने से पहले जरा मैं चेक कर लूँ एरिया, कोई दिखाई दे, वैसे मुझे दे नहीं रहा है। गन निकाल लेता हूँ बस अपनी। ये मर्फ्री से होंगे। हाँ, दिखाई तो दे रहा है मुझे। मेरे हिसाब से मुझे जो है इसको बो से मारना चाहिए, साइलेंट एकदम। गया। यहाँ पे ऐसी जगह पे गन का यूज ना करो तो बेटर है। वैसे लटकाए किधर था उसको हीरा? ये मर्फीस वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसकी तो गर्दन ही उड़ा डाली और इसके पेट में से पता नहीं क्या निकाल रहे थे, भगवान जाने। ये तो मुझे आदिवासी से कम नहीं लग रहे। एक सेकेंड। ऑल राइट, मुझे जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अपने जो तीर है वापस से ले लेता हूँ। ये रही स्टेज को जो कि गायब हो गई थी। एक साइड किसी की आवाज आ रही है मुझे। ये भी गया। यहाँ पे आगे की तरफ जो है वुमेन भी है, क्योंकि मुझे उसकी जो चिल्लाने की जो आवाज है वो यहाँ पे आ रही है। इसकी तोप मुझे निकलना चाहिए। ऑल राइट, ऑल राइट, फाइनली।
ये भी गया, ये भी गया। एक सेकंड, ये भी गया। यहाँ पे कोई बंद है। ऑल राइट, ऑल राइट। तो यहाँ पर ये जो केज है यहाँ पर ओपन भी हो सकती है, तो फटाफट से इसको जो है ओपन कर लेता हूँ मैं। इसकी जो रस्सियाँ वो काटनी पड़ेगी जिससे कि ये जो है बंधा हुआ है, बट ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है। ऑल राइट, ये शायद से उसी स्टेज कोच में आई होगी। You're safe. It's okay. It's time to go. It's okay. Okay. Let's go. All right. तो फिलहाल के लिए जो है हमने एक लड़की को इस केज के अंदर से बचा लिया है। Where are you from? Annisburg. What do we do with her? Take her there and I'll go get the others. Sure. मुझे ऐसा लग रहा है ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। Yes. You okay to ride on my horse a little? I'll keep you safe. ठीक है। Annisburg, right? Yes. Hey. ये घोड़ा तो मेरा नहीं है। ऑल राइट, इट्स ओके मिस, द अदर्स दे किल्ड देम, यू आर सेफ नाउ, जस्ट ट्राई टू ब्रीथ, दे आर एनिमल्स, आई नो। तो वहां पर जो बंदे थे ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे, मतलब वो आदिवासी टाइप लग रहे थे। मतलब उसकी गर्दन भी उड़ा डाली और ऊपर से उसका जो पेट है वो भी फाड़ डाला उन लोगों ने। पता नहीं इसको अभी तक क्यों बचा के रखा हुआ था, शायद से ये इम्पोर्टेंट थी उन लोगों के लिए। और ये एनिस वर्क से आई हुई है, जो अपना चार्ल्स है वो तो यहाँ पे बाकी लोगों को यहाँ पे बुलाने के लिए जा चुका है। Thank you. Where in Annisburg? One of the mining cottages. मैं जो है यहाँ पे गलत रास्ते से आ गया हूँ। If you get me to the main street, I can show you from there. Okay. Just try to relax now. मुझे ना यहाँ पे वापस उसी वाले रास्ते पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया था। All right. Yeah. Are you sure this is the right way to Annisburg? यहाँ से जो रास्ता है वो खुला हुआ है और मैं यहाँ से जो है जा सकता हूँ बड़ी आसानी से। बट मेरा जो घोड़ा है ना, इसका जो स्टैमिना है बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि एक्चुअली वो मेरा घोड़ा नहीं है। मेरा घोड़ा होता तो बहुत तेज चलता। अभी इसको मुझे आराम आराम से लेके जाना पड़ेगा कुछ इसी टाइप से, क्योंकि और तेज़ तो भाग नहीं सकता। ऑल राइट, और जो एनिसबर्ग है इसको जो है मुझे वहाँ पर छोड़ना होगा, जो कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। ऑल राइट, चुप हो जा, चुप हो जा, काम डाउन। ठीक है, यहाँ से जो है अभी यहाँ पर चल लेना है। और जो एनिसबर्ग है वो मेरे हिसाब से आ ही गया है। ऑल राइट, मेरे हिसाब से मैं जो है एनिसबर्ग में पकड़ा ना जाऊँ। ऑल राइट, तो मैं एनिसबर्ग में तो आ चुका हूँ। अभी जो है मुझे मेन स्ट्रीट पर जाना पड़ेगा और वहाँ से जो है हम पैदल पैदल जा सकते हैं इसके घर तक। ये ना यहीं से आ रही होगी और यहीं से जाते वक्त उसकी जो स्टेज कोच है वो गायब हो गई। आराम से, आराम से। ऑल राइट, फाइनली हम जो है पहुँच चुके हैं। Thank God. Which place is yours? Up at the top of the hill. It's near the blacksmith. Mona. Ma!
Mom! Meredith? She's alive. Meredith there. Oh, she's alive. She saw some pretty bad things, I'm afraid, man. Murphy Group guys. Oh, my darling. How did you manage to? I just ran into them and found her. Oh, thank you. Here, let me give you this. तो मेरे हिसाब से मुझे ले लेना चाहिए अगर वो जो पैसे दे रही है, क्योंकि अभी जो है पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Okay. Thank you. That's mighty kind. चलो कुछ काम करने के यहाँ पर थोड़ी बहुत पैसे तो मिल ही गए. एक सेकेंड ही क्या This is down. एक सेकेंड You leave me alone. You just leave me alone. एक सेकेंड Thanks, buddy. आर्थर इसको जानता था बट मैंने तो इसको नहीं देखा. पता नहीं वो जो है इस जगह पर क्या कर रही है एनिसबर्ग में. और जो चार्ल्स है वो तो जो है उसने सबको जाके बता दिया होगा इस जगह के बारे में. तो सब लोग जो है यहाँ पे आते होंगे अपनी पैकिंग वगैरह करके वहां से. ऑल राइट. और जो मौसम है वो भी यहाँ पे सर्दियों का आने वाला है जहाँ तक मुझे लग रहा है. ठीक है. How you get on? Okay. Found a girl. तो ये वही वाली जगह है जहाँ पर जो लड़कियाँ हमें मिली हुई थी. Might you find anything? Maybe. I think maybe. I found our old friend Mr. Cornwall. You did? Yeah. He's buying a stake in the mine in Annisburg. Relentlessly ambitious fella, isn't he? Mike and I'll sniff about, see if he knows we're here and exactly what his plans are. Did you miss me? I found her drunk in Saint Denis. You're back. How jolly, Miss O'Shea. It's funny, you sack of shit. Back and drunk. The master, the Lord God, Almighty. All right. I won't be ignored. Dutch Vanderlyn, I haven't him. I ain't her. Or any of your stooges. Calm yourself. You don't owe me nothing. Miss. I don't owe you nothing. Nothing. Okay. I'll spit in your eye. I did. I told them. I'm sorry? Yeah, I told them and I tell them again. Now I've got God's ear. You told who? एक सेकंड. इसने यहाँ पे Milton and Mr. Ross सबको बताया था. Milton को बताया था इसने. अब ये गई. I loved you, you goddamn bastard. एक सेकंड. ये सब प्यार करती थी. और ये जो है चला गया थी चक्कर में. उसने सबको बता दिया. Arthur, तभी मैं सोच रहा है इन सब को पता कैसे चल रहा है. ये मरेगी. डच के हाथों मरेगी. एक सेकंड. किसने मार दिया उसको? All right. ये भी सही था. She knew the rules, Arthur. What the hell is wrong with you, Mr. Pearson? Mr. Williamson, get this body out of here and get it burnt. Okay. Now get back to work, all of you. मेरे हिसाब से जो रूल है वो ये है कि अगर कोई भी गैंग का बंदा गैंग के बारे में किसी और को बताता है तो यहाँ पे वो मारा जाएगा. तो यही रूल है. और इस मॉली ने वही किया और ये मारी गई. ऑल राइट. तो अभी जो है हम यहाँ पर आ चुके हैं. और ये किसी बंदे का नाम नहीं था. बीवर हॉलो एक जगह का नाम है. बीवर हॉलो. तो उस जगह पर अभी हम आ चुके हैं. और यहाँ पर जो है स्टार्ट हो चुका है चैप्टर 6. और देखने को मिल चुका है हमें स्टार्टिंग में ही एक भेड़िया. भेड़िया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा है. All right. तो यहाँ पर जो है सुबह का टाइम हो चुका है इस नई जगह पर. जो मॉली है वो तो यहाँ पे मारी जा चुकी है. और यहाँ पर जो है अभी हम बचे रहेंगे क्योंकि अभी जो है हम जंगल के बीचों बीच हैं. मतलब एक रास्ते के बीचों बीच. और हम काफ़ी हद तक यहाँ पर रुक सकते हैं. ऐसी कोई बात नहीं है. जो डच है वो तो अपने कैंप में आराम से मस्ती से खड़ा हुआ है. ऑलराइट. तो इस वाले आडियो टू के एपिसोड में सिर्फ इतना ही. अगर आपको ये जो आडियो टू का एपिसोड है ये पसंद आया हो तो जल्दी से अपनी तरफ से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए. नीचे की तरफ जो है आपको एक रेड कलर का बटन आ रहा होगा, जल्दी से जाकर उसको प्रेस कर दीजिए. और अगर आप जो है आडियो टू का नेक्स्ट वाला जो एपिसोड है ये देखना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वाला जो एपिसोड है वो जल्दी से जल्दी लेकर आ पाऊँ. और मैं आपको मिलता हूँ आडियो टू के नेक्स्ट वाले एपिसोड में ऐसी किसी नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए आप खुश रहिएगा.